السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا barakatuh. آج we will read ترجم Quran, سوره آل عمران Ayat نمبر 192 أعوذ بالله من <الشيطان الرجيم> بسم <الله> الرحمن <الرحيم> ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا ايه مار رب انك بيشك من تدخل ادخل يدخلو معني ہوتا ہے داخل کرنا ادخل يدخلو दाखिल करना दाल खा लाम इसका रूट है दाखला उसी से होता है दाखिल होना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है दाखला, <laughs> मन जो और जिस तो मन जिसको तू दखिल तू दाखिल करे अन्नारा आग में ए हमारे रब बेशक जिसको तू दाखिल करे आग में जी महर सर तो ये खाली सेकंड पर, थर्ड पर्सन पर्सन फेमिनिन का है तो करेगा होना चाहिए ना नहीं ये थर्ड पर्सन तो नहीं है सेकंड पर्सन है तू तू उर्दू में तो तू सेकंड को ही बोलते हैं जी सर सेकंड पर्सन है मुजक्कर भी तो ता आता है ना मुजक्कर में भी सेकंड पर्सन में मेल के लिए भी ता आता है अलामत मुजारे जिसको तू दाखिल करे अन्नारा आग में फकत तो बेशक अखजई तूने जलील कर दिया रुसवा कर दिया हु उसको जिसको तूने दाखिल किया या जिसको तू दाखिल करे आग में तो तूने उसको रसुआ कर दिया वमा और नहीं के लिए। जुल्म करने वाले। और जुल्म करने वालों के लिए नहीं मिनसौर कोई मददगार <coughs> नासिर इसका प्लूरल है अंसार। सादरा। ए हमारे रब

<laughs> हमारे रब बेशक हमने समय सुना हमने सुना बेशक हमने सुना मुनादियन पुकारने वाला नादा युनादी माने होता है पुकारना नादा युनादी पुकारना और मुनादी पुकारने वाला मुनादी पुकारने वाला मुनादियन पुकारने वाले को हमने सुना और यहां पर देखिए कॉमन है ये क्योंकि नहीं है तो एक पुकारने वाला हम इसमें तर्जमा कर सकते हैं हमने सुना एक पुकारने वाले को युनादी वो पुकारता है लिल ईमानी ईमान के लिए आवाज देता है ईमान के लिए ईमान लाने के लिए अन के आमिनू के ईमान ले आओ अपने रब पर तुम्हारे रब पर आमिनु आमाना से अम्र है आमिन और वाव के साथ प्लोरल हो गया आमिनू तुम ईमान ले आओ बी माने पर रब माने रब कुम तुम्हारा तुम्हारे रब पर फा तो आमना हम ईमान ले आए ए हमारे रब हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ पुकार रहा था कि अपने रब पर ईमान लाओ बस हम ईमान लाए रबना फिर बना वक फिर सया वना रबना ऐ हमारे रब फिर माने होता है माफ करना ठीक है माफ़ कर दीजिए हमारे लिए बना जमुन गुना उसका प्लूरल है जुनूब ना हमारे हमारे गुनाहों को हमारे लिए हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए वकफिर कफारा काफारा काफारा इसका माने इसका रूट जो है इसका माने होता है छुपाना है छुपाना ढापना तो काफिर उसी को बोलते हैं क्योंकि वो अल्लाह की हक्कानियत को छुपाता है और इनकार करना भी इसका माने वो काफिर। और माफ कर दीजिए अन्ना हमसे सही आते ना हमारी बुराइयों को यानी छुपा दीजिए हमसे हमारी बुराइयों को बेसिकली तर्जा होगा छुपा दीजिए हमसे हमारी बुराइयों को दूर कर दीजिए व तवफा।, तवफा माने होता है पूरा ले लेना ठीक है पूरा ले लेना और ये इसका मजाजी माने मौत देना भी आता है इसी वजह से कि उसको जब पूरा उठा लिया जाए तो आदमी मर जाता है वा और हमको मौत दीजिए माल अल अबरार नेक लोगों के साथ मा माने साथ अलबरार माने नेक लोग अन्ना का नहीं है अन्ना हमसे अन माने से अन से ना माने हम अन्ना ऐसे है अन और ना अन माने से होता है ना माने हम होता है तो हम से हो गया हम से दूर कर दीजिए हमारी गलतियों को बुराइयों को व और हमको मौत दीजिए मालबरान नेक लोगों के साथ बिरून और बारून दोनों हो सकते हैं येल है ए हमारे रब हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ कर सर अब्रार का, मतलब अब, का मतलब नेक लोगों जी नेक लोग हैं जी अब्रार का मतलब नेक लोग रब ना वाद ना मा वाद ता ना علا رسلیکا ولا تُخزِنَا يوم القيامة إنك لا تُخلف الميعاد रब बना हमारे रब वा और आते ना हमको दे पीछे वाले से ही कनेक्ट है कि हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए और ये सब कर दीजिए बुराइयों को हमसे दूर कर दीजिए उसी के साथ है वा और आती ना आता युति माने होता है देना आता युति उससे पहले अमरी ये आती व ना और हमको दे आती दे ना हमको माँ जो वाद वादा वादा दो माँ वादा करना वादा तूने वादा किया ना हमसे अला का तेरे रसूलों पर तेरे रसूलों के वास्ते से जो तूने हमसे वादा किया वो हमें दे दीजिए वाला तुख अखजा युकी पीछे आया था भी बताया था माने रसुआ करना जलील करना वाला तुख और हमको जलील ना कीजिए हमको रस्वा ना कीजिए कियामा कीजिएमत के रोज इन्नका बेशक तू इन ना तख्लिफ़ अखलाफाफ माने पीछे करना ला तख्लिफ़ पीछे नहीं करता अलमियाद वक़्त मुकर को वक़्त मुकर को पीछे नहीं करता यानी जो वादा आपने कर लिया है जो बात आपने तय कर दी है उसको आप पीछे नहीं टाले और इसी को वादा खिलाफी कहते हैं तो तर्जमा ऐसा ही हुआ हुआ, हुआ है कि बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता है ऐ हमारे रब तूने जो वादे अपने रसूलों की मार्फत हमसे किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर और क्यामत के दिन हमको रसवाई में न डाल बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं जी सर खुनजा क्या होता है रसवाई माने जिल्लत बेइज्जती करना جي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فاتو استجاب قبول کر لیا لهم ان کے ربهم ان کے رب نے ان کے, ان کے رب نے قبول کر لیا ان کی بات ان کے رب نے مان لی. के मैं अन्ना माने बेशक या माने मैं में। बेशक मैं ला नहीं माने होता है करना बर्बाद करना ला उजीओ मैं जाये नहीं करूंगा बर्बाद नहीं करूंगा आ माला आ किसी काम करने वाले के काम को मिनकुम तुम में से तुम में से किसी काम करने वाले के काम को मैं जाये नहीं करूंगा मिन जकरिन मर्द हो औ या उनसा या औरत हो मर्द में से चाहे आमिल जो हो वो तुम में से चाहे मर्दों में से हो या औरतों में से हो तो आप इसको तर्जमा यूं भी कर सकते हैं चाहे मर्द हो चाहे औरत <coughs> बाजु तुम में से बाजाजिन बाज से है तुम में से बाज बास यानी तुम एक दूसरे से ही हो जी खुनजा सर, सर हम औरत को निशा कहते हैं न? जी हम औरत को निशा कहते हैं न? हाँ निशा भी कहते हैं उनसा भी कहते हैं जी सर जी उनसा वैसे फेमिनिन को बोलते हैं सर डिफरेंस क्या है निशा और उनसा डिफरेंस हमने बताया ना फेमिनिन उनसा माने होता है फेमिनिन ठीक है और निशा खास तौर से औरत को ही बोलते हैं वो भी प्लूरल है औरतों को उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमाई कि मैं तुम में से किसी का अमल जाये करने वाला नहीं खा वो मर्द हो या औरत तुम सब एक दूसरे से हो फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار فَالَّذِينَ بشك بلوغ الذين بلوغ هاجروا جنون هجرتك وأخرجوا هجرتك माने बेसिकली इसका मतलब होता है छोड़ देना और हिजरत उसको भी कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए अपने घर को अपने इलाकों को छोड़ दे इसको भी हिजरत कहते हैं खाली छोड़ने को भी हिजरत कहते हैं और इसको भी कि अपने घर बार को आदमी अल्लाह की खातिर छोड़ दे मतलब अल्लाह की खातिर का मतलब ये है कि अगर उस जगह आपको अल्लाह की इबादत नहीं करने दी जा रही है तो आप वहां से हट कर कहीं उड़ जाइए क्योंकि अल्लाह की इबादत तो अल्लाह की बात तो हर हाल में माननी है और यहाँ पर आगे जो है वह उखरिजू मिन दियारिहिम अपने घरों से निकाल दिए गए तो यहां पर इसी सिया में है कि घर बार छोड़ देना हिजरत देखिए आप सेंटेंस को समझिए हाजरु उन्होंने हिजरत की अल्लादीन वो लोग हाजरू उन्होंने हिजरत की व उखरिजू अखराजा माने होता है निकालना व उखरिजू उखरिजा पैसे हो गया प्लूरल हो गया पैसिव वो निकाल दिए गए मिन दया रहीम उनके घरों से दारून का प्लूरल है दियार मिन दिया रहीम उनके घरों से तो यहाँ पर जो हिजरत है वो खाली छोड़ने के माने में नहीं है वो इस माने में ही है कि उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा वी तकलीफ देना उससे प्लू, ये पैसिव है है और प्लूरल है, माजी में वह और उनको तकलीफ दी गई मेरे रास्ते में वकातलु और उन्होंने कत्ल किया जंग की वकुतिलु और कत्ल कर दिए गए जंग की उन्होंने तो जंग में जाहिर है मरते भी हैं आदमी वो कतलू और वो कत्ल कर दिए गए मार दिए गए ला तो यकीनन ला ताकीद के लिए आता है उकफ ला कफारा तो मैं जरूर कफरा से उकफर का फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर ला उकफ मैं जरूर दूर कर दूंगा अन उनसे सै उनकी बुराइयों को वो लदल

फरमान पे अल्लाह के हुक्म पे चलने की कोशिश करता रहे और उसके बावजूद उससे कुछ गुनाह हो जाए नाफरमानी हो जाए तो अल्लाह ताला उनको माफ कर देते हैं देखिए कफारा लफ्ज है आप देख सकते हैं अभी हमने बताया था इसका बेसिक इसका जो मीनिंग है छुपाना होता है ढाप देना होता है पर्दा डाल देना ठीक है तो हम उनकी बुराइयों पर पर्दा पर पर डाल देंगे तो जाहिर है पर्दा तभी डलेगा बुराइयों पर जब होंगी जब होंगी बुराई तभी तो पर्दा डलेगा <coughs> तो हम दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयों को जरूर बस जिन लोगों ने हिजरत की और जो अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए उजू तकलीफ दी गई अजा से हमजा या हमजा जाल या आजा तकलीफ <coughs> सताए गए और वो लड़े और मारे गए मैं उनकी खताए जरूर उनसे दूर कर दूंगा और उनको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी सवाब। सवाबन साबा सा माने होता है लौटना रजा तो लौटकर कर जो चीज आपको मिली है रिजल्ट के तौर पर यानी बदला ही होता है वो सवाबन तो सवाब उसी को कहते हैं बदले में जो मिले सवाबन, ये बदला है मिन की तरफ से वल्लाहू और अल्लाह उसके पास माने अच्छा सबाब माने बदला सवाब अच्छा बदला है अल्लाह उसके पास अच्छा बदला है यानी अल्लाह के पास अच्छा बदला है ये उनका बदला है अल्लाह के यहाँ और बेहतरीन बदला अल्लाह के पास है <coughs> ला कफरू फिल बिलाद। ला माने नहीं रन्ना गर्र यागुरु माने पीछे वाले सबक में भी बताया था हमने कल गर माने होता है गईन रारा माने धोखे में रखना धोखे में डालना तो नून तशदीद ये भी हमने आपको बताया था नून तशदीद किस लिए आता है इम्फिसाइज करने के लिए मीनिंग को ला ऊर रन्ना हरगिज धोखे में ना डाले ऐसा ना हो जाए हरगिज धोखे में ना डाल दे का तुमको तकलुब का पलटना उलटना पलटना। का वो लोग कुफर किया, उनका तकल्लुब तकल्लुबल का फरु उन लोगों का तकलुब जिन्होंने कुफर किया यानी काफिरों का मुनकिरों का उलटना पलटना इधर उधर बदलना आना जाना फिलबिला शहरों में शहरों में उनका उलटना पलटना ठीक है तो ये हर एक एतबार से हो सकता है तकल्लुब स्टेटस के एतबार से भी हो सकता है ताकत के एतबार से भी हो सकता है ठीक है बिजनेस के एतबार से भी हो सकता है और मुल्क के अंदर मुनकरों की सरगर्मियां तुमको धोखे में ना डालें यानी आज वो बढ़ रहे हैं तो ये ना सोचें कि अल्लाह इनसे खुश है मताअुन कलील ثم مأواهم جهنم وبئس المصير मताअ माने फायदे का समान मता माने फायदा मताअुन कलील थोड़ा फायदा है कि थोड़ा है फायदे का समान थोड़ा है ثم फिर मआवाहुम आवाए <coughs> वी माने होता है ठिकाना देना उसी से मआवा बनता है ठिकाना मआवा हमजा वाव या मआवा ठिकाना मआवाहुम उनका ठिकाना जहन्नम जहन्नम है वह भी सल मिहाद और जहन्नम क्या है बुरा ठिकाना है और ये बुरा ठिकाना है ये थोड़ा सा फायदा है फिर उनका ठिकाना जहन्नम है और वो कैसा बुरा ठिकाना है मीम मीमहा दाल माने होता है बिछाना और महादुन उसको भी कहते हैं गोद को जहां आदमी आराम से बच्चा आराम और सुकून से लेटता है तो मिहाद वो बिस्तर जहां वो सुकून से चैन के साथ लेटता है बिछाना लेटना बिस्तर जहां पे आदमी सुकून से लेटता है वो इसका मतलब है अब देखिए कई बार ये होता है हमने आपको पीछे भी कई बार बताया था कि ये एक तरह से जहनी तौर पर उनको तकलीफ देना है कि ठिकाना थोड़ी है जहन्नम कैद खाना और जेल कोई ठिकाना थोड़ी होता है जहां टॉर्चर होता है आदमी उसको तकलीफ दी जाती है वो कोई ठिकाना थोड़ी है लेकिन फिर भी ठिकाना कहा जा रहा है ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो ये थोड़ा सा फायदा है ठिकाना महा जहां आदमी रुक सके ठहरता है जहां आदमी रुकता है आराम करता है उसको ठिकाना कर ये थोड़ा सा फायदा है फिर उनका ठिकाना जहन्नम है और वो कैसा बुरा ठिकाना है <clears throat>

रब बहुम अपने रब का लहुम उनके लिए जन्नात उन बात है तहतिहा जिनके नीचे बहती हैं जरा जरी माने होता है बहना दौड़ना चलना <coughs> तजरी जिनके नीचे चलती हैं अल्हारु नहरे खालिदी नफीहा वो उसमें हमेशा रहेंगे खालिद माने हमेशा रहने वाला या नून के साथ प्लूरल होता है जब केस बदल जाता है तो वैसे वून के साथ होता है खालिदून खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं फिया उसमें नू जुल मिन मिनला अल्लाह की तरफ से अल्लाह के पास से इंदा माने पास अल्लाह माने अल्लाह अल्ला का पास और मिन से अल्लाह के पास से नू ये दावत है नजुल न माने नजाला माने होता है उतरना रुकना ठहरना और मेहमान होना कहीं पर जैसे होटल वगैरह में ठहरते हैं रुकते हैं तो नज़ुल उसी से बनाए जहाँ जब ठहरने के बाद आपको कुछ पेश किया जाता है खिदमत में कुछ दिया जाता है दावत जिसको हम कहते हैं अल्लाह की तरफ से दावत है अलबत् जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी वो उसमें हमेशा रहेंगे ये अल्लाह की तरफ से उनकी मेजबानी होगी नजल उतरना और अनजला माने उतारना होता है उसी से नूजलाम अनजरल्ला अल्लाह ने उतारा अनजल अल किताब किताब उतारी नزل उसी से बनता है उतारदा वमा इंडल्लाही खैरु लिल अबरार वमा और जो इंडल्लाही अल्लाह के पास है खैरु ज्यादा बेहतर है लिल अब्रारी नेक लोगों के लिए और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे बेहतर है व इन मिन अहिल किताबिलम युमिनु बिललाह वमा उन्ही व इन्ना और बेशक मिन अहलिल किताब एहले के ताम में से मन जो और बेशक एहले के ताम में से जो यानी कुछ ऐसे हैं जो सेंटेंस ये है कि कुछ ऐसे हैं वह मिन अहलिल किताबी बाजुन मन मिनु कुछ ऐसे हैं जो मिनु ई ईमान रखते हैं बिल्ला पर वमा और जो उन नाजिल किया गया देखिए वही नून से उतारा गया इले तुम्हारी तरफ जी uh, सर लमन का क्या मीनिंग है लाम तो ताक़ीद के लिए मन माने जो जिस जो? जी ये हु के में आता है डब्ल्यू एच ओ हु और जो नाजिल किया गया इलाही तुम्हारी तरफ और उनकी तरफ जो उन पर नाजिल किया गया उनको भेजा गया और जो तुम्हारे पास भेजा गया वो उन सब पर ईमान रखते हैं खाश अल्लाह अल्लाह के सर निगु होते हैं अल्लाह के सामने झुके हुए होते हैं खाश आम होता है झुक जाना अपनी अकड़ खत्म कर देना और बेशक अहले किताब में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस किताब को भी मानते हैं जो तुम्हारी तरफ भेजी गई व माजिला जो तुम्हारी तरफ भेजी गई और उस किताब को भी मानते हैं जो इससे पहले खुद उनकी तरफ भेजी गई थी वो अल्लाह के आगे झुके हुए हैं ला या बी आयात ला नहीं यश वो खरीदते हैं बी आयात अल्लाह की आयात के बदले क़लीला थोड़ी कीमत वो अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पर बेच नहीं देते उलाइका ये वो लोग हैं लहुम इनके लिए अजरुहम इनका बदला इंद रबिम इनके रब के पास है इन अल्लाह बेशक सर उब जल्दी हिसाब करने वाला है जल्द हिसाब लेने वाला है तेज हिसाब लेने वाला है सरी तेज को कहते हैं उनका आज उनके रब के पास है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है यादिरफ्लि <coughs> या अयो अल्लादीना ऐ वो लोगो आमनु जो ई माला सबरा इस माने होता है जमना रू जमे रहो अपने को कंट्रोल में करे रखो अपने आप को कंट्रोल में करे रखो वह सॉब रू इसमें शिरकत है एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ तो एक इसमें एक सेंस ये भी निकलता है कि एक दूसरे को भी सब्र की तलकीन दो यानी ऐसे करो सब्र के तुम्हें देख के दूसरे को भी सब्र की हिम्मत मिले वह और सब्र करो वो तू रबत रबत माने होता है ताल्लुक जोड़ना बांधना ठीक है नॉबित रबता से राबित, और रोबितु और एक दूसरे से जुड़े रहो एक दूसरे के साथ रहो और जब जुड़ता है एक दूसरे के साथ आदमी तो मजबूत ही होता है ज़ाहिर है आपने वो वाली एक मिसाल भी सुनी होगी छोटे छोटे दागे बहुत सारे होते हैं तो मजबूत हो जाते हैं अगर कमजोर भी हों तो राबितो और एक दूसरे के साथ बंधे रहो तालुक में रहो व अल्लाह से डरो ताके तुम तुफ्लि कामयाब हो अफला कामयाब होना तुफली ना तुम कामयाब होगी ए ईमान वालो सब्र करो और मुकाबले में मजबूत रहो और लगे रहो और अल्लाह से डरो उम्मीद है कि तुम कामयाब होगे राबता का एक माने ये भी होता है कि सरहद पर जमे रहना सरहद पर डटे रहना ये भी इसका एक मीनिंग होता है वैसे अगर आप रूट से देखेंगे तो वहां भी हर वो चीज हर एक जगह मीनिंग में यही चीज काम कर रही है यानी एक दूसरे के साथ वहां भी जमे रहो ताकि आगे इधर उधर ना भागो सरहद को ना छोड़ो ये भी इसका मीनिंग होता है वहां भी डटे रहो ईमान वालों सब्र करो और मुकाबले में मजबूत रहो और लगे रहो अल्लाह से डरो उम्मीद है कि तुम कामयाब होगे ये आज का सबक है आपका अच्छे से याद कीजिएगा वर्ड्स मीनिंग लिख लीजिएगा इसकी वालेकुम व रहमतुल्लाह